टाइम हो रहा है सवेरे के 6:10। हम लोग इतने सारे टूर्स कर चुके हैं, लेकिन इन सारे टूर्स की एक खासियत होती है, हम जितना भी सोच लें कि टूर के एक दिन पहले जल्दी सोएंगे, 8 घंटे नींद लेंगे, जल्दी उठेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। टूर का जो एंटिसिपेशन होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमारा नया टूर स्टार्ट हो रहा है और साथ में मम्मी का एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब मम्मी को कुछ नया बोलना है। मैंने बहुत सारा ध्यान करके रखा था कि मुझे ये पता बोलूंगा, लेकिन ये तो टॉपिक दे देता कि नहीं ये मत बोलो वो बोलो, तो अब भैया क्या बोले तुम बताओ, बस निकल पड़ते हम। पीछे इतना सारा सामान आपको दिख रहा है, ज्यादातर सामान मैंने रात को जमा दिया, तो भी बहुत सारा सामान है। सबसे पहला टास्क सामान जमाना और फिर उड़ते हैं रोड पे। हमेशा हम सोचते थे कि सामान कम करें, आज ना चाहते हुए भी हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये आप में से कोई गेस करके बताइए, क्यों ज़्यादा है मम्मी? ये कॉन्फिडेंशियल है। साढ़े सात बज रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं रायपुर 31 चौक, और हमेशा की तरह 31 चौक चारों तरफ ट्रकों से भरा हुआ है। ये एक्चुअली जो रूट है रायपुर संबलपुर होते हुए रांची, ये हमने सिर्फ एक बार किया है। आई थिंक कब कब किया होगी, क्वेश्चन ऑफ द डे, मेघालय गए थे तब। उसके बाद से हमें याद ही नहीं रहता कुछ। उसके बाद से समा हम लोग रायपुर से बिलासपुर के साइड तो गए हैं, लेकिन उस रोड पे नहीं गए, तो ऑलमोस्ट नया ही है वो रोड हमारे लिए। आज एकदम पीक गर्मी का टाइम है, कल तो निकलने से पहले 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो गया था, तो लग रहा था कि पता नहीं आज गर्मी कैसे झेलेंगे, लेकिन शायद आज आसपास कहीं बारिश हुई है इसलिए अभी तक धूप नहीं निकली है। आज भगवान ने मेरे लिए छांव कर दी है। एकदम पीक गर्मी का टाइम है, लेकिन समाउ आज धूप भी लेट निकली और मौसम बहुत अच्छा है। आसपास शायद कहीं बारिश हुई है ना मम्मी? सब जगह ही हुई है, पूना से भी खबर है कि वहाँ भी बारिश। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है आज घूमने में, एकदम ठंडा। एक्चुअली ये जो नॉर्थ ईस्ट हम लोग जा रहे हैं, मेरा प्लान था मार्च में जाने का, ये एक्चुअली में बहुत सही टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्री मानसून की बारिश होती है अभी इस टाइम में, तो कई बार रोड ट्रिप करना ठीक नहीं रहता। बट मेरा मन इतना बन चुका था वहाँ जाने का, मेरा और मम्मी का, कि हमने कहा कि चांस लेके देख लेते हैं। मम्मी को पनिशमेंट दिया ये। पनिशमेंट थोड़ी होता है ये, हाँ कंधों की एक्सरसाइज हो रही है। तो हमारा जो ब्रेक था वो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मम्मी ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, हाँ। क्या खिलाओगी आज? मैं तुमको रेड लाल फल खिलाऊंगी। बोलो क्या? तरबूज। देख क्या लाल है ना, इस लाल रंग से मुझे आज कबीरदास जी का दोहा याद आ गया, लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। चल इसी बात पे लाल तरबूज खा और लाल हो जा। कहीं के बारे कहीं जोड़ लेते हो। वैसे आपने आज मुझे पहले ही लाल कर दिया, वो जो आपने डंडी नहीं पकड़ी थी, मैंने आपके हाथ से पकड़ ली थी, मेरे हाथ में फांस लग गई। अरे उसको संभाल के पकड़ गए ना, तुम्हारा ऐसा ही है, हमने कितनी देर पकड़ के रखी थी उसको, हमें कुछ भी नहीं हुआ। इन भाई साहब का ऐसा ही है, कहीं भी गिर जाएंगे लग जाएगी, इतने 40 साल के हो गए लेकिन अभी तक वही बच्चों जैसा हिसाब चल रहा है। अरे कहाँ, कहीं भी कुछ भी बोल रही हूँ, कहीं कहाँ गिरता हूँ। ज्यादा मुंह मत गुस्सा, तो गड़ जाएगा तो रोएगा फिर। तो बस आज हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी बारिश भी और हो जाए, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए मौसम अच्छा था, अब वापस गर्मी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर रही है। जब हम अपने घर से दिल्ली या मुंबई की तरफ जाते हैं तो रोड पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेच है जो ईस्ट तरफ जाता है,
यहाँ पे फॉर सम रीज़न उतनी फैसिलिटीज़ नहीं रहती। अपना नाश्ता तो खैर हमने खा लिया है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा सरायपल्ली और फिर उसके थोड़ी देर बाद हम लोग उड़ीसा के बॉर्डर में प्रवेश करेंगे। तो सामने है RTO का चेक पोस्ट छत्तीसगढ़ के साइड का। एक ब्रेक और ले लिया है, 200 किलोमीटर दिन का ट्रैवल कर लिया है, बस आगे जाके उड़ीसा का बॉर्डर आने वाला है। देखना मम्मी अब बहुत तेज हवा है, उड़ मत जाना। अरे यार उड़ने जैसी नहीं हूँ मैं, अच्छा भी वजन है। ये अपना डस्टबिन इसमें डाल लेते हैं। ये फल फूल खाने का कितना फायदा है, देख पानी डाला डब्बा चमक गया। अभी कुछ नाश्ता लाते तो धो के ही और उसकी स्मेल से मैं परेशान हो जाती। तो सामने लिखा है संबलपुर टोल रोड कोलकाता, तो कोलकाता हाईवे पे हम लोग आ गए हैं। और कहाँ एंटर किए, किस स्टेट है मम्मी? भूल गई आप? भूल गई, अभी तो बताया मैंने, भूल गई। एक्सट्रीमली पुअर मेमोरी है। मैं वैसी स्टूडेंट हूँ तेरी जैसे तू मेरी स्टूडेंट था ना बचपन में, उड़ीसा। इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पे हम ना मैंने ना मम्मी ने पहले कभी कदम रखा। असम तक जा चुके हैं लेकिन अरुणाचल, और अरुणाचल में शायद आपने भी, आप भी कभी नहीं गई ना, ना मम्मी ना मैं कभी गए हैं। इस बार एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा है। तो मम्मी इस शहर का नाम बताओ। सुंदर नगर की सुंदरगढ़। ये संबलपुर है, सुंदरगढ़ की बात है। कुछ भी सुन लेती हूँ। तो अभी हम लोग संबलपुर पहुँच गए हैं। सामने आपको ये जो राइट साइड रोड एकदम सीधा जाता दिख रहा है हल्का सा राइट में, जहाँ ट्रक्स जा रहे हैं, ये है कोलकाता हाईवे। यहाँ से हम कोलकाता हाईवे इसको छोड़ेंगे और एक स्टेट हाईवे पकड़ेंगे बीजू एक्सप्रेस वे, जो हमें ले जाएगा सुंदरगढ़ होते हुए रांची की तरफ। सामने लिखा है वेलकम टू बीजू एक्सप्रेस वे, झारसुगुड़ा 53 सुंदरगढ़ 78 राहुल किला 172। तो गाड़ी में एक बढ़िया झपकी ले ली है, गर्मी बहुत है, बाहर उतरने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या लाई हो मम्मी खाने में? खाने में ये तो अपने टमाटर हैं, ये आलू के परौठे हैं, ये उसके संग अचार, ये मेरी भिंडी की सब्जी है क्योंकि मैं अपने लिए रोटी लाई हूँ, और ये मेरी रोटी। वैसे मैंने मम्मी को मना किया था, मम्मी ने जबरदस्ती परांठे बना लिए, लेकिन अब गाड़ी से उतर के कहीं जाके खाने का मेरा मन नहीं है, यही इसी को खा लेंगे। और ये है अपना लेमन राइस, पहले ये कच्चा खा ले थोड़ा सा जैसे मैं खा रही हूँ, और फिर खाना खा लेना जब खाना। मैं तो पराठे के साथ ही खाऊंगा, मैं कच्चा पच्चा अचार भी है। जब से हम केरला गए ना तब से मेरे को ये लेमन राइस बहुत पसंद आने लगा, और ये रखा भी ज़्यादा देर, प्रिजर्व रहता है ना इसलिए अच्छा रहता है आजकल। इसलिए जब भी हम टूर पर निकलते हैं तो मम्मी ये लेमन राइस बनवाने लगी हैं, निहायत ही टेस्टी। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और हम लोगों ने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। कितने बजे निकले थे? 6 बजे, 6 नहीं 7 बजे ही बोला जाएगा। एक्चुअली मैं सवेरे जब हम लोग घर से निकले तो मैंने एक ड्रोन शॉट डाला था, मैंने 2 शॉट डाले थे। ये अगर ऐसे आपको ड्रोन शॉट लेने रहते हैं तो आधे से पौन घंटा उसमें चला जाता है, हालांकि आता वो 5-10 सेकंड के लिए ही है। तो इसीलिए 7 बजे निकले थे, 3:30 बज रहा है, 400 किलोमीटर अभी तक तो बढ़िया 4 लेन रोड्स पे ही थे। बहुत जल्द बीजू एक्सप्रेसवे को सामने एक जगह से हम लोग अलविदा कहने वाले हैं, फिर अपन चलेंगे 2 लेन पे, और 2 लेन पे धीरे धीरे मटकते देखते उधर देखते पता नहीं कब पहुंचेंगे। क्या लिखा है? कुत्र। अरे पुत्र, ये लिखा है कुटरा। वो पिछली बार भी अपन कुत्रा से कहते हैं, कुत्र पढ़ दिया उसको। तो ये सामने लिखा हुआ है अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो आएगा रांची, तो यहाँ से हम इस रोड को छोड़ रहे हैं। इस रोड पे अगर हम सीधा निकल जाते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं हमें? राहुल किला, और राहुल किला जाके भी रांची रास्ता है, बट यहाँ से जो रास्ता है वो छोटा पड़ता है, सिंगल रोड है। अभी हाल फिलहाल हम लोग उड़ीसा में ही हैं, आगे ये रोड जंगलों के बीच से जाएगा और आगे झारखंड बॉर्डर आएगा। उड़ीसा झारखंड के जंगलों से होते हुए हम लोग कहाँ पहुँचेंगे मम्मी? कुछ तो बता दो माताराम। हम पहुंचेंगे रांची। रांची तो अब रंगदूम एकदम हवा में उड़ रही थी, थोड़ा गति में ब्रेक लगेगा, लेकिन ये वाला रोड भी बहुत शानदार है। लास्ट टाइम का मुझे याद है, एकदम हरा भरा रोड है, छोटे छोटे गांव से जाता हुआ और बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है।
तो ये इधर सामने लिखा हुआ है वेलकम टू उड़ीसा। इसी साइड से हम लोग आए हैं, रंगदुम बढ़िया वहाँ खड़े होकर सुस्ता रही है। सामने आपको दिख रहा है ब्रिज, इस ब्रिज को हम लोग जैसे क्रॉस करते हैं तो हम लोग उड़ीसा से पहुँच जाते हैं झारखंड। तो झारखंड में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। लास्ट 200 किलोमीटर से मैंने ब्रेक नहीं लिया था तो सोचा कि यहाँ पे एक ब्रेक लिया जाए, लेकिन मम्मी गाड़ी से उतर नहीं रही है, बोल रही कि यहाँ पे हवा अभी बहुत गर्म है। क्या कर रही हो? क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? मूंगफली भून के लाई हो क्या? यहाँ पे ये जो पूरा आसपास का एरिया है इसका थोड़ा एरियल व्यू देखते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ भिलाई हाँ। क्या है इसमें कुछ? ये सब हम लोग एक महीने के लिए अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। अरुणाचल हाँ। एक्चुअली सिमडेगा थोड़ा सा नक्सल एरिया है, नक्सलाइट का प्रेजेंस है यहाँ पे काफ़ी, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा ही थोड़ी सी चेकिंग कई बार स्ट्रिक्ट होती है। खैर हमारा पासपोर्ट तो हमारी माता जी हैं। मम्मी को देख के पहले बोल रहे तो सारा सामान कहाँ ले आ रहे हो? तो कुछ नहीं है, तो अरुणाचल जा रहा हूँ। तो आपको देख के फिर बोला कि ठीक है, नामा में से पूरा नोट वोट किया उसने। वो सामान ज्यादा में थोड़ा सा हाँ भर लेते हैं ना लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ भरवा लिया जाए। डीजल 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 फुल कर दो, फुल कर दो। क्या पढ़ रही हो ये? सत्संग। क्या बात है मम्मी, यहाँ हम आपको घुमा रहे हैं और आप सत्संग कर रही हो। अब भैया चुप रहना पड़ता है, कुछ पढ़नी पड़ेगा ना। क्यों चुप रहना पड़ता है? नहीं तो फिर जवान चलेगी। हाँ तो चलाओ ना, कौन रोक रहा है। तो शाम के बज रहे हैं 7 और फाइनली आ गया है वो समय जब ट्रिप का जो पूरा मजा है वो थोड़ी देर के लिए ग्लानी में बदल जाता है। रात का टाइम हो गया, एकदम अंधेरा है पीछे सिमडेगा में। मैंने सोचा थोड़ी देर की रुक जाऊँ क्या, लेकिन तब 6 ही बज रहे थे, रुकने का मूड नहीं था। वैसे भी पहले दिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए, तो हम लोग निकल गए रांची की तरफ। रांची अब भी 100 किलोमीटर दूर है, 7 बज रहा है निकल, रात को पहुंचते पहुंचते आई थिंक 9 बज जाएगा। रात को मेरे में तो बहुत एनर्जी कम हो जाती है, तो मैं तो पूजा पाठ करके भजन वजन सुन के ही टाइम पास कर रही हूँ अपना। तो मम्मी ये पनिशमेंट मोड में क्यों घूम रही हो? तुम इसको पनिशमेंट मोड कह रहे हो? बचपन में ये पनिशमेंट दिए जाते थे ऐसे, लेकिन ये सब एक्सरसाइजेस थी, जैसे ऐसे रख के दौड़ो, ऐसे दौड़ो, उठक बैठक लगाओ, उससे घुटने की एक्सरसाइज हो जाती है। और कान जो मरोड़ते थे ना, उससे कान भी थोड़े थोड़े अपने को मरोड़ने चाहिए, उनकी भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो ये सारी बस मारना थोड़ा सा वो होता था, अदरवाइज ये सब तो यूजफुल ही रहते थे। तो दिन का हमारा लास्ट ब्रेक है रंगदूम, वहाँ सड़क के उस पार आराम से खड़ी है। अभी भी रांची यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, 8:30 बज रहा है, मेरे ख्याल से पहुँचते 9:30 हमको हो ही जाएगा। तो हमारे राइट साइड में हमारे दाएं तरफ चल रही है छुक छुक गाड़ी और हम लोग पहुँच गए हैं आज के अपने टारगेट रांची। पिछली बार जब हम भिलाई से रांची आए थे तो थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, आज तो भाई साहब ने तबीयत से लेट किया। गाड़ी का ऑर्डर दिखा रहा है 640 किलोमीटर, तो आज 650 किलोमीटर लगभग हमने कवर कर लिया है। हमेशा पहला दिन ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा पहले 1-2 दिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें, फिर उसके बाद आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो सबसे पहले पहुंचते हैं अपने होटल, चेक इन करते हैं और वहां आपसे मिलते हैं। तो कर लिया है अपन ने अपने होटल में चेक इन। ये हमारा सामान है 1, 2, 3, 4 और एक उधर मेरा बैग 5। हमेशा कोशिश रहती है कि सामान जो हम लोग डेली होटल में लाते हैं वो कम करें, लेकिन रिक्वायरमेंट्स कुछ कैसी हैं, ये
तो मम्मी का जादू का पिटारा है, इसमें हम दोनों का सामान रहता है, खाने पीने का भी, खाने पीने का भी, नींबू, लेमन स्क्वीजर, डब्बे, ये मेरा किट बैग है, इसमें मेरा सामान होता है, मैं इसको हमेशा लेके आता हूँ, गाड़ी में कभी नहीं छोड़ता, काम हो जाए ना हो, ये इसमें मेरा ड्रोन और वगैरह वो सब चीजें रहती हैं, इसको भी मैं लेके आता हूँ, वो मम्मी का बैग है, वो मेरा बैग है। पिछले टूर में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक ही बैग रखेंगे, तो एक बैग में चार चार दिन के कपड़े रख लेते थे और वही एक बैग से काम चला, और पांचवें दिन अपना जो बैग गाड़ी में था उससे कपड़े बदल लेते थे, लेकिन मम्मी ने इस बार मुझे बोला कि अपना खुद का बैग। हाँ, हम, मैंने कहा कि अलग अलग बैग करो, या ऐसे ऐसे कपड़े करके ऐसे बांध देता, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल। तो खैर, आज हम लोग का फर्स्ट लेग था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही गया। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो कल सुबह फिर मिलते हैं, हमेशा की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।